कांग्रेस पार्टी के लिए एक बुरी खबर सामने आई है। कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ए.के. वालिया का कोरोना से निधन हो गया है। दिल्ली कांग्रेस नेता ए.के. वालिया कोरोना से संक्रमित थे। उन्हें दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। वालिया शीला दीक्षित की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं। वो दिल्ली की पहली विधानसभा से लेकर चौथी विधानसभा तक के सदस्य रहे। वो दिल्ली के लक्ष्मी नगर और गीता कॉलोनी से विधायक भी रहे। वालिया का जन्म दिल्ली में 8 दिसंबर 1948 को हुआ था। पेशे से फिजिशियन थे। इसके अलावा माकपा महासचिव सीताराम येचुरी के पुत्र का भी निधन हो गया है। येचुरी के पुत्र आशीष गुरुग्राम के मेदांत अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन वह जिंदगी की जंग हार गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने पूरे राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाए जाने का फैसला किया है। सरकार ने राज्य में आज रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, सरकार ने कई पाबंदियां भी लगा दी हैं। सरकार के जारी फरमान के अनुसार सरकारी दफ्तरों में 15% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। शादी समारोह में 25 लोग ही शामिल हो सकते हैं और शादी 2 घंटे में खत्म करना अनिवार्य रहेगा। शादी समारोह में कोविड के नियम तोड़ने वालों पर 50,000 का जुर्माना तय किया गया है। पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना के कहर के बीच बिहार में पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही 22 से 24 तक चुनाव कर्मियों के ऑनलाइन प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया गया है। पूरे देश के साथ साथ बिहार में भी महामारी की स्थिति बेकाबू हो गई है। बिहार में रोजाना आने वाले मामलों ने अब तक के सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। पिछले कुछ दिनों से बिहार में रोजाना 10,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, जिसका असर अब बिहार में होने लगा है। महामारी की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए फिलहाल पंचायत चुनाव को स्थगित कर दिया गया है। संक्रमण के बीच बिहार निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही 22 से लेकर 24 मार्च तक चुनाव कर्मी के प्रशिक्षण को भी स्थगित कर दिया गया है। बिहार के सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी गई है। अब चुनाव आयोग 15 दिनों बाद स्थिति को देखकर समीक्षा करेगा। इसके बाद बिहार चुनाव के लिए फैसला लिया जाएगा। आपने अभी तक तो कई शादियों के कार्ड देखे होंगे, लेकिन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे एक शादी के कार्ड को देखकर आपके जुबान से एक ही बात निकलेगी कि पूरे जिले का नाम दे दिया क्या। जी हाँ, ऐसा ही एक शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, शादी के कार्ड को देखकर प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। शादी पर 25,000 रुपये तक का भी जुर्माना लगा। दरअसल ये शादी का कार्ड राजस्थान के जोधपुर का है, जो इन दोनों राजस्थान से लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि कार्ड में परिवार के 10 नहीं 20 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 301 नाम छपे हैं। जैसे ही ये अनोखा कार्ड वायरल होते ही जिला प्रशासन के पास पहुँचा तो प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पाँव फूल गए और कार्ड छपवाने वाले मोहनलाल विश्नोई को नोटिस भेज दिया, जिसके बाद शादी के दिन प्रशासन के अधिकारी जब शादी समारोह में पहुंचे तो शादी में 50 से अधिक लोग पाए गए। बाद में प्रशासन ने आयोजनकर्ता पर 25,000 रुपये का जुर्माना ठोक दिया। कोरोना महामारी के चलते देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। मेडिकल ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देवदूत बनकर सामने आए हैं। नवीन पटनायक ने देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के चलते आज पीएम मोदी से संपर्क किया और कहा कि कोरोना काल की ऐसी स्थिति में ओडिशा ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाएगा और देश के राज्यों की मदद करेगा। देश में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं, हम जल्द ही ऑक्सीजन के प्रोडक्शन को बढ़ाकर ऑक्सीजन की सप्लाई करेंगे। बता दें कि देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के चलते गृह मंत्रालय ने अगले आदेश तक औद्योगिक ऑक्सीजन की सप्लाई को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार पूरे देश में जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू करवाया था, लेकिन इस वैक्सीनेशन को लेकर भी कई जगहों पर मारामारी मची हुई है। वहीं कई राज्यों में इसकी बर्बादी भी भारी मात्रा में हो रही है, जिसमें राजस्थान में वैक्सीन की सबसे ज़्यादा बर्बादी हुई है। एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक राजस्थान की राजधानी जयपुर में वैक्सीन की इतनी बर्बादी हुई कि उससे कई लोगों की जान बचाई जा सकती थी। वहीं प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले में सबसे बेहतर तरीके से टीके का उपयोग किया गया है। अभी तो वैक्सीन 45 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों को लगाई जा रही है, जिसके बाद भी तमिलनाडु में करीब 5 लाख से ज़्यादा डोज खराब हुई हो चुके हैं और राजस्थान में 4 लाख के करीब वैक्सीनेशन के डोज खराब हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरे हाल हैं। वहां के मुख्यमंत्री खुद कोरोना संक्रमित हैं, लेकिन वो उसके बाद भी प्रदेश की जनता को सभी सुविधाएं उपलब्ध हो सकें उसके लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी अधिकारियों को
निर्देश दिए हैं कि चाहे जो हो जाए ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे प्रदेश की जनता का मनोबल कम हो। यदि कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और उसे सजा भी दी जाएगी। वहीं सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में दवा की कालाबाजारी करने के साथ ही ऑक्सीजन या अन्य बेहद जरूरी उत्पाद की जमाखोरी करने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों की मनमानी रोकने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने का फैसला किया गया है, जो प्रदेश में हो रही मनमानी को रोकने के प्रयास करेंगे और जनता को सही इलाज और सुविधाएं दिलाएंगे। कोरोना के चलते अब राज्य की सरकारें चिंतित होने लगी हैं। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और उनका ये ट्वीट बेहद भावनात्मक था। दरअसल केजरीवाल ने ऑक्सीजन के संकट को लेकर ट्वीट किया था। सीएम केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर हम अलग अलग राज्यों में बंट गए तो भारत नहीं बचेगा। इसके आगे केजरीवाल ने यह भी लिखा कि ये बहुत बड़ी आपदा है, कोरोना के खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा, सभी राज्यों को एक दूसरे की मदद करनी होगी, इस मुश्किल घड़ी में हमें भारतीय बनकर लड़ना होगा, तभी हमारा भारत बचेगा और कोरोना हारेगा। बता दें दिल्ली सरकार ने कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार से गुहार लगाई थी और कहा था कि दिल्ली में सिर्फ कुछ घंटों की ऑक्सीजन बची है, यदि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो कई मरीजों की जान चली जाएगी। बॉलीवुड के दबंग यानी सलमान खान की बेहद चर्चित फिल्म राधे और मोस्ट वांटेड का ट्रेलर रिलीज हो गया है। एक बार फिर सलमान धांसू अंदाज में लोगों को अपना दीवाना बनाने आ गए हैं। ट्रेलर में दिख रहा है कि मुंबई के युवा ड्रग्स के नशे में जकड़े हुए हैं और इन सब का सफाया करने के लिए सलमान खान ने कमिटमेंट दी है। रणदीप हुड्डा विलेन के कैरेक्टर में खूब जम रहे हैं, वहीं दिशा पटानी भी फिल्म में काफ़ी खूबसूरत दिखी हैं। ट्रेलर में जैकलीन फर्नांडिस का आइटम नंबर की भी झलक देखी गई है, लेकिन इस फिल्म में एक चीज़ ऐसी भी देखने को मिली है जो फैंस को चौंका सकती है। एक सीन में सलमान दिशा को किस करते हुए दिखाई दिए हैं।